इस वीडियो में बात करेंगे आरबीएल बैंक मंथली ट्रेड क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों, क्या यह क्रेडिट कार्ड आपके लिए काम का है या फिर नहीं है? इस क्रेडिट कार्ड की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, जिसमें इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट, फीचर, फीस एंड चार्जेस के बारे में कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। वीडियो को आप एंड तक देखें ताकि इस क्रेडिट कार्ड के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल सके। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं धर्माराम, आप देख रहे हैं DRS डिजिटल बैंकिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये जो आरबीएल बैंक का मंथली ट्रेड क्रेडिट कार्ड मिलता है, ये कैशबैक के साथ साथ में रिवॉर्ड पॉइंट भी देगा। यानी कि इस क्रेडिट कार्ड से आप कोई भी स्पेंडिंग करते हैं तो आप कैशबैक भी ले सकते हैं और रिवॉर्ड पॉइंट्स भी अर्न कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें इस क्रेडिट कार्ड के फीस के बारे में, तो दोस्तों, ये क्रेडिट कार्ड मंथली फीस के साथ आता है। यानी कि बाकी किसी क्रेडिट कार्ड को आप लेते हैं तो आपको साल में एक बार फीस देना होता है, लेकिन इस क्रेडिट कार्ड की आपको मंथली फीस लगेगी। जिसमें इसकी फीस की बात करें तो 75 रुपीज प्लस 18% का GST रहेगा, लेकिन इसको आप वेवर भी करा सकते हैं। इसके लिए हर महीने में आपको 3,000 या फिर उससे ज्यादा का स्पेंड करते हैं, ये जो 75 रुपीज की फीस यहाँ पे ली जाती है, इसको रिवर्सल कर दी जाएगी। इस क्रेडिट कार्ड के कैशबैक के बारे में यहाँ पे बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप ग्रोसरी, बुक माई शो या फिर स्विगी पे एवरी 100 रुपीज स्पेंड करने पर आपको मिलेगा 10% तक का कैशबैक। यानी कि 10% तक का कैशबैक आप इस क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। पहले ये कैशबैक आपको बिल पेमेंट पे भी मिलता था, लेकिन बिल पेमेंट को यहाँ पे डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो बाकी ये तीन कैटेगरी पे आप 10% तक का कैशबैक यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन ये कैशबैक है, इस पे आपको कैप दे दी गई है। एक महीने के अंदर मैक्सिमम आप पर कैटेगरी पे आप 100 रुपीज तक का कैशबैक यहाँ पे ले सकते हैं। यानी कि 100 रुपए का कैशबैक एक महीने के अंदर ग्रोसरी पे भी ले सकते हैं, 100 रुपए का कैशबैक आप बुक माई शो पे ले सकते हैं, और 100 रुपए का कैशबैक आप स्विगी से कोई ऑर्डर करते हैं तो उस पे भी आप ले सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड पे जितना भी आपको कैशबैक मिलता है, आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद 3 दिन के अंदर आपके क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट भी कर दिया जाएगा। इस क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड पॉइंट्स के बारे में अगर बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड से एवरी 100 रुपीज आप ऑनलाइन स्पेंड करेंगे तो उस पे मिलेगा आपको 2 रिवार्ड पॉइंट्स। इसके अलावा ऑफलाइन कोई भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं और 100 रुपए स्पेंड करने पर आपको मिलेगा 1 रिवार्ड पॉइंट। इस क्रेडिट कार्ड पर रिवार्ड पॉइंट्स को कैसे रिडीम किया जाता है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जो आपको आई बटन में मिल जाएगी। वहां से आप देख के आप रिवार्ड पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं। लेकिन इस क्रेडिट कार्ड पे जो भी आरबीएल के क्रेडिट कार्ड है, उन पर रिवार्ड पॉइंट्स वैल्यू इतनी कोई खास अच्छी नहीं मिलती है, और रिवार्ड पॉइंट को रिडेम्पशन करने के लिए आपको 99 रुपीज का पर रिडेम्पशन चार्जेस भी देना होगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे भी आपको बाकी क्रेडिट कार्ड के जैसे फ्यूल सरचार्ज है, वो भी आपको वेवर मिलेगा। लेकिन वेवर लेने के लिए आपका जो फ्यूल का ट्रांजेक्शन है, वो कम से कम 500 रुपए से लेके 4,000 रुपए के बीच का ट्रांजेक्शन होना चाहिए। इस पे लगने वाला 1% का फ्यूल सरचार्ज इस क्रेडिट कार्ड पे वेवर ऑफ रहेगा, और एवरी मंथ आप मैक्सिमम 100 रुपीज तक का वेवर को आप ले सकते हैं। साथ में ये क्रेडिट कार्ड आपको कॉन्टेक्टलेस फीचर के साथ मिल जाएगा, तो आप किसी भी रिटेल आउटलेट पे 5,000 रुपए तक का ट्रांजेक्शन है, वो बिगर पिन के बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड पे आपको EMI की फैसिलिटी है, वो भी मिल जाती है। आपका कोई भी ट्रांजेक्शन 2500 या फिर उससे ज्यादा का रहता है तो आप उसको EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ में इस क्रेडिट कार्ड पे आपको एक्सप्रेस लोन की फैसिलिटी है, वो भी मिल जाती है, और डायल फॉर कैश लोन की फैसिलिटी है, वो भी इस क्रेडिट कार्ड पे आपको मिल जाती है। साथ में ये क्रेडिट कार्ड को आरबीएल बैंक की माई कार्ड ऐप के थ्रू इस क्रेडिट कार्ड को पूरी तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। साथ में इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड आपको कोई भी अगर दिक्कत आती है तो आपको कस्टमर केयर का नंबर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, जिसमें आप कॉल भी कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं। अगर आपके पास सुपर कार्ड है तो उसके लिए भी आपको स्क्रीन पे नंबर दिख जाएगा कस्टमर केयर का, इस पे आप कॉल करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। और आरबीएल बैंक के क्रेडिट कार्ड को अगर कैंसिल करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको स्क्रीन पे मेल आईडी दिख जाएगी, इस पे आप अपने क्रेडिट कार्ड को कैंसिल भी करवा सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड के साथ में आप अपने फैमिली के लिए एड ऑन कार्ड ले सकते हैं, एड ऑन कार्ड की फैसिलिटी है, वो भी इस क्रेडिट कार्ड पे आपको मिल जाएगी। और इस क्रेडिट कार्ड पे आरबीएल बैंक की तरफ से जितने भी डिस्काउंट ऑफर वगैरह है, वो सारे के सारे यहाँ पे मिलेगा। तो बस यही था आरबीएल बैंक मंथली ट्रेड क्रेडिट कार्ड की जानकारी। इसके अलावा भी बाकी किसी भी आरबीएल क्रेडिट कार्ड की जानकारी लेना है तो आपको एंड स्क्रीन में प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से आप किसी भी क्रेडिट कार्ड की जानकारी ले सकते हैं। तो बस यही था आरबीएल मंथली ट्रेड क्रेडिट कार्ड की जानकारी। वीडियो आपको पसंद लगी हो और आपके काम की लगी हो तो वीडियो को आप जरूर से लाइक करना। चैनल पर आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करना, साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करके रखना, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।